हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवेंथ की हनी कॉम से ये पोएम द स्क्वेरल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव सीन अ स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। आपने स्क्वेरल को देखा होगा कि ग्राउंड पर बैठ करके वो नट खा रही होती है। तो वो कैसा दिखाई देता है स्क्वेरल, तो यहाँ पर पोएट ने एक स्क्वेरल का डिस्क्रिप्शन दिया है। चलिए देखते हैं। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, यानी कि यहाँ पर जो ही वर्ड का यूज़ किया गया है वो स्क्वेरल के लिए यूज़ किया गया है। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, यानी कि उसकी जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क जैसी दिखाई देती है। देखिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की जैसी दिखाई दे रही है। एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे, यानी इनका इसका जो ओवर कोट है, इसका जो इसके जो शरीर पर फर्स होते हैं ये ग्रे कलर के होते हैं। तो एन ओवर कोट ऑफ ग्रे। ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, और ये स्ट्रेट बैठता है और बैठ करके नट खाता है। नट जो होते हैं अखरोट वगैरह, स्क्वेरल को खाना पसंद होता है। ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, स्क्वेरल को टीज करना यानी दूसरों को चिढ़ाना और खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। एंड इफ़ ही रैन अराउंड हिज ट्री, और अगर हम उसके पेड़ के आसपास भागते हैं, ही वेंट दी अदर वे, तो वो दूसरी तरफ दूसरे रास्ते चला जाता है। क्योंकि आप जब भी देखो स्क्वेरल के पास आप जाओ, उसको पकड़ने की कोशिश करो, तो स्क्वेरल बहुत तेज़ी से भाग जाती है। तो इसके बारे में यही बातें कही गई है कि इसकी जो टेल है वो बिल्कुल क्वेश्चन मार्क की तरह होती है, इसका जो ओवर कोट है वो ग्रे कलर का होता है, ये स्ट्रेट बैठ करके ऊपर बैठ करके आराम से नट खाता है, दूसरों को परेशान करता है, चढ़ाता है, और इसको खेलना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन अगर आप इसके आसपास जाएंगे, इसके ट्री के आसपास जाएंगे, तो ये दूसरी तरफ भाग जाता है। तो ये होगी हमारी पोएम द स्क्वेरल। और इस पोएम के राइटर जो हैं वो हैं मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि द स्क्वेरल पोएम के राइटर कौन है, तो आप लिखेंगे मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हो गई पोएम। आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो इसके लिए मैंने सेपरेट पीडीएफ बना दिया है, चलिए पीडीएफ देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट से द स्क्वेरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। ड्रॉ अ स्क्वेरल और फाइंड अ पिक्चर ऑफ स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि पोएट ने ऐसा क्यों बोला है कि स्क्वेरल का जो टेल है वो क्वेश्चन मार्क के जैसा है। आपको एक स्क्वेरल का पिक्चर ड्रॉ करना है, या फिर आप कोई पिक्चर फाइंड करिए स्क्वेरल के जहाँ पर वो ग्राउंड पर बैठा हो, और आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे स्क्वेरल के टेल को, ये आपसे पूछा गया है। द पोएट सेड दैट द स्क्वेरल वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल बिकॉज इट्स टेल इज ट्विस्टेड अपियरिंग लाइक अ क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल सा आंसर है, पोएट ने उसके टेल को क्वेश्चन मार्क के जैसा इसलिए बोला है क्योंकि उसकी टेल जो है वो ट्विस्टेड होती है और बिल्कुल क्वेश्चन मार्क के जैसी अपेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी यूजुअली से दैट एन एनिमल वेयर्स अ टेल, वॉट डू वी से, थिंक डज एन एनिमल वेयर अ कोट, कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वेयर इज यूज इन डिफरेंट वेज। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या हम नॉर्मली ये बात बोलते हैं कि एक एनिमल टेल पहनता है, क्योंकि वेयर का मतलब हम जनरली पहनने से लगाते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको, ये बारे में पूछा गया है। थिंक डज एन एनिमल वेयर अ कोट, अब आप ये बात सोचो कि क्या एक एनिमल कोट पहनता है, तो आप कंसल्ट करो किसी डिक्शनरी में और फाइंड आउट करो कि वेयर को डिफरेंट वेज में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसके क्या क्या वर्ड मीनिंग्स निकलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वी यूजुअली से दैट एन एनिमल हैज़ अ सेट ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन सेइंग वेयर। तो यूजुअली हम ये बात बोलते हैं कि इस एनिमल के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका जो फर है वो बहुत सॉफ्ट है, इसके दांत बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि उसने कोट पहना हुआ है या उसने टेल पहना हुआ है, हम ऐसे बोलते हैं कि उसकी टेल बहुत लंबी है या उसकी टेल बहुत छोटी है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। द पोएट हाउएवर यूज्ड द वर्ड वेयर टू इंडिकेट द एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्क्वेरल, लेकिन पोएट ने वेयर वर्ड को यूज़ किया है ताकि वो स्क्वेरल के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो उसके बाहरी उसकी जो चीज़ें हैं, कैरेक्टर्स हैं, उसको इंडिकेट कर सके, इसलिए उसने वेयर वर्ड को यूज़ किया है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वेयर सजेस्ट समथिंग ऑफ एन आउटर कवरिंग, अगर डिक्शनरी मीनिंग की बात करें कि वेयर का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, तो उसका मतलब है एक आउटर कवरिंग, जैसे हम कपड़े पहनते हैं एज एन आउटर कवरिंग, तो वैसे ही हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस क्लॉथ्स, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप क्लॉथ्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, हु इज टीजिंग होम हाउ। तो क्वेश्चन में मतलब ये बात हो रही है कि हमने जो अभी पोएम पढ़ी है उसमें
सेंटेंस आया है ही लाइक्ड टू टीज एंड प्ले, तो कौन किसको टीज कर रहा है ये आपको बताना है और कैसे टीज कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट लाइक्ड टू टीज एंड प्ले विद स्क्वायरल। तो पोएट जो है वो टीज और प्ले कर रहा है स्क्वायरल के साथ, चिढ़ा रहा है और खेल रहा है। वेन एवर द पोएट वेंट अ लिटिल क्लोज टू द स्क्वायरल, जैसे ही पोएट थोड़ा सा क्लोज जाता है स्क्वायरल के, द स्क्वायरल वुड रन अवे इन द अदर डायरेक्शन, तो स्क्वायरल जो है वो दूसरे डायरेक्शन में भाग जाता है। तो इस तरीके से पोएट चिढ़ा रहा है स्क्वायरल को और उसके साथ खेल रहा है, स्क्वायरल भी उसके साथ खेल रही है। तो ये इस चैप्टर के इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत छोटी सी बहुत सिंपल सी पोएम है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।